नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी जल समग्र एकेडमी में। और जैसे कि हमारी मैथ की सुपर सीरीज चल रही है आपकी आगामी जितनी भी अध्यापकता परीक्षा है उनके लिए, और साथ ही साथ अगर रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी की बात करते हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। और आज मैथी की सीरीज में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसे हम ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं, मतलब ज्यामिति। तो उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताते जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ाएंगे कि पहले आपको मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ाएं फिर आपको सीटें दें तो आप सॉल्व करो। हम सिर्फ चुनिंदा चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि ऐसे तो बहुत अतः ज्ञान है, ठीक है, मतलब बहुत अतः सिलेबस हो जाता है कि आप पढ़ते रहोगे ख़त्म ही नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ऐसा करेंगे कि सीधे सीधे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको उठाएंगे सीधा सीधा और उन्हीं को सॉल्व करेंगे, और जो जो नए कॉन्सेप्ट हैं सीखते जाएंगे, ताकि अगर आप और कोई अदर पेपर भी लगाओ मॉडल पेपर तो आपसे वो भी बन सके, ठीक है। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ए यू पी टेट का आया हुआ क्वेश्चन है, एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं। तो अगर कोई भी रेखा हो तो उसमें इतने बिंदु होते हैं, मतलब उसमें होते हैं अनंत बिंदु। ऐसे ऐसे बहुत सारे बिंदुओं को जोड़ के, बहुत सारे बिंदुओं को जोड़ के एक रेखा बनेगी, ठीक है। तो इसमें है दो बिंदु, इसमें है जीरो बिंदु, इसमें इनमें से कोई नहीं और एक है अनंत। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत, ठीक है। सिर्फ वो चीज़ें करेंगे, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ेंगे। एक बिंदु से होगा कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है, प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। तो एक कोई बिंदु है, इसे कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो, एक खिंच गई, दो खिंच गई, तीन खिंच गई, चार खिंच गई, पाँच, छः, बहुत सारी खींची जा सकती हैं। तो क्या हो जाएगा, एक भी नहीं, दो नहीं, दस भी नहीं और अनेक, अनेक या अनंत बहुत सारी चीज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, ठीक है। दो बिंदुओं से होगा कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है। मान लो कोई भी दो बिंदु बनी हो तो इसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही। अगर कोई अदर जाएगी ना तो वो इस बिंदु से होकर नहीं जाएगी फिर, ठीक है। तो क्या होगा, दो बिंदुओं से सीधी एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब जो भी हो, एक, ठीक है। तो देखते हैं, बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है, देखो सिर्फ एक, सिर्फ दो, अनेक, से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जिस कोण का मान 90 होता है वह कहलाता है। देखो बिल्कुल आराम से समझेंगे एक एक कॉन्सेप्ट। देखो, कभी भी त्रिभुजों के जो नाम हैं तो वो दो आधार पर किए गए। अगर त्रिभुज के जो नाम हैं वो दो आधार पर किए गए, या तो उनके कोणों के आधार पर या उनकी भुजा के आधार पर। अगर भुजा की बात करते हैं तो भुजा के आधार पर तीन है, कौन सा, एक हो जाता है समबाहु, एक हो जाता है समद्विबाहु और एक हो जाता है विषमबाहु। समझ लो थोड़ा सा, समबाहु होता है जिसमें सारी भुजाएं बराबर बराबर हों, समद्विबाहु होता है जिसमें से दो भुजाएं बराबर हों, ए वाली और ए वाली, इसमें क्या रहता है, सारी बराबर हों, और विषमबाहु रहता है जिनमें से कोई भी किसी के बराबर नहीं है, कोई भी किसी के बराबर नहीं है, ठीक है। कोण के आधार पर हो जाता है तीन चार प्रकार के, एक हो जाता है समकोण त्रिभुज, समकोण जिसमें एक एंगल 90 हो, ठीक है। एक हो जाता है न्यून कोण, न्यून कोण जिसमें जो त्रिभुज के जो कोण रहते हैं उनका मान 90 से अधिक ना हो, 90 से अधिक ना हो, ठीक है। और एक हो जाता है अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, कोई भी एक कोण, कोई भी एक कोण कितना रहेगा, 90 से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे 90 से ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पे एक ज़्यादा। तो एक हो जाता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण, एक हो जाता है न्यून कोण, एक होता है समकोण। फिर तो बहुत सारे संपूर्ण कोण है, संपूर्ण कोण त्रिभुज, ऐसे नहीं, तीन मेन है, ठीक है। तो थोड़ा हो गया समझ में, इसका आता है जिस कोण का मान 90 हो तो वो क्या कहलाता है, जैसे हमने अभी बता दिया क्या होता है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोण मतलब जिसमें 90 से छोटा हो, अधिक कोण 90 से बड़ा हो, और ऋजु कोण मतलब सीधी एक रेखा, ऋजु रेखा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते जाना, बहुत अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट है। जिस कोण का मान 180 से अधिक और 360 से कम हो वह क्या कहलाता है। देखो 360 से अधिक, तो अगर मान लो, देखो कभी भी एक रेखा हो तो इस पे ए ऊपर वाला कोण होता है 180, जब 180 होता है तो पूरा कितना हो जाएगा, 360, और यहाँ पे ए वाला कोण, इस वाले कोण की बात हो रही है, तो इतना तो हो जाता कितना, 180, और ये क्या हो गया, 180 से ऊपर, ठीक है। तो और 360 से कम, यानी कि ए वाले कोण की बात कर रहे हैं, तो ए वाला कोण कौन सा हो जाएगा, अपन लोग ऑप्शन देखेंगे उससे करेंगे। एक मिनट,
आ गया। तो कौन सा था, 180 से अधिक, 180 से ज्यादा लेकिन 360 से कम, सॉरी 360 से कम, ठीक है। ये वाला कोण, तो ये वाला कोण कौन सा होता है, ये होता है बृहत कोण, और बृहत कोण को कहते हैं पुनर्युक्त कोण, होता है बृहत कोण, और इसी का दूसरा नाम है पुनर्युक्त कोण, ठीक है। सरल कोण सभी को पता है, कोण पता है, न्यूनकोण पता है, ठीक है। आगे चलते हैं, सरल कोण में कितने अंश होते हैं, तो सरल कोण में अपने होते हैं, सरल कोण मतलब एक रेखा पर बना हुआ कोण, ठीक है, और एक रेखा वाला कितना होता है 180, हमने आपको बता दिया, तो ये होता है 180, ठीक है। 90 होता है अपना समकोण, 90 से कम होता है न्यून कोण, ये हो जाता है न्यून कोण, ये हो जाता है समकोण, और 90 से अधिक ये होता है अधिक कोण, ठीक है। तो चारों हमने बता दिए। आगे चलते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें क्या कहते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत, तो इसको देख लेना। ये होता है, दो कोण आते हैं, एक होता है कोटिपूरक और एक होता है समपूरक। तो कोटिपूरक कोण हो या समपूरक कोण हो, तो कोटिपूरक का मतलब रहता है जिनका योग मतलब x प्लस y दो कोटिपूरक कोण है, तो इनका मान होगा कितना, 180 डिग्री, नहीं नहीं कोटिपूरक, कोटिपूरक ही होता है 90, एक मिनट रुको, कोटिपूरक होता है 90, ठीक है, और समपूरक होता है 180, तो इसका मान हो जाता है 90 और समपूरक में मान हो जाता है 180। तो पूछ रहा है जिन दो कोणों का मान 90 डिग्री हो तो वो क्या होता है, वो अपना कोटिपूरक होता है, लिख लीजिए इसको, याद कर लीजिए, ठीक है। कोटिपूरक मतलब 90 डिग्री और समपूरक ये होता है अपना 180 डिग्री, ठीक है। आगे चलते हैं, याद कर लेना, कंफ्यूजन नहीं करना इसमें। 40 का पूरक कोण है, तो पूरक कोण हमने अभी यार बताया था, कोटिपूरक हो या पूरक कोण हो, तो उन दोनों में केस में क्या होता है, उनका मान 90 डिग्री होता है, तो एक 40 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 50, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 85 का कोटिपूरक है, 90 होना चाहिए, तो 85 और 5 90, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल वो चलेंगे कॉन्सेप्ट से, 35 का संपूरक, तो देखो कोटिपूरक हमने अभी बताया क्या, 35 हुआ ना, 35 वो सॉरी सम कोटिपूरक क्या होता है, जब 90 डिग्री हो, और संपूरक का मतलब क्या रहता है, जहां पर 180 डिग्री हो, तो सीधा सीधा निकालने के लिए क्या करो, 180 में से 35 घटा दो, कितना आ जाएगा 145 अपना आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, माउस काम नहीं कर रहा है, 120 के संपूरक कोण के, तो देखो संपूरक पूछ रहा है यहां पे, तो क्या करो 120, 180 में से घटेंगे तो 60 आ जाएगा, उसके दुगने का मान, तो सीधा सीधा 60 नहीं लगा देना, इसका दुगना पूछा है, तो 60 का दुगना कितना होता है 120 अपना आंसर, क्वेश्चन सही से पढ़ना तब अपना आंसर निकल के आता है, ठीक है। अगला देखो, निम्न कोण में एक्स का मान बताना है, चलो देखते हैं कौन सा कोण दिया है, एक्स बताना है, अरे सभी को पता है जब कभी भी कुछ आकृति ऐसी बने तो इसमें ये 90 डिग्री होता है, जिसको कहते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण, तो समकोण में 90 होता है, एक 65 दिया तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 - 65, यानी कि आ जाएगा अपना 25 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या है, काम क्यों नहीं कर रहा माउस, एक मिनट, तो एक समकोण का 2/3 कितने अंश होगा, तो सभी को पता है समकोण क्या होता है, समकोण होता है हमारा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का 2/3, यानी कि इसका 2/3, हमने बॉर्डर मास्टर बताया था का मतलब रहता है गुणा, काट दो 30 और 30 दूनी 60, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखो, यदि एक कोण की माप 50 है तो उसके शीर्ष अभिमुख कोण का मान क्या होता है, शीर्ष अभिमुख कोण समझ लो क्या होता है, जैसे मान लो कभी कोई रेखा हो और उसको एक दूसरी रेखा काटे,
तो इस तरफ वाला कोण और इस वाला कोण ये हमेशा बराबर रहते हैं और इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या, अगर एक 50 है, ये वाला 50 है, तो दूसरा वाला कितना होगा? अरे भैया बराबर ही होगा, तो कितना हो जाएगा 50, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल क्वेश्चन से इतने सारे कॉन्सेप्ट जो जो निकल के आएंगे वो हम सब बताएंगे। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण, तो चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब कोई एक वो हो चतुर्भुज और उसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें, ठीक है, तो यह कौन सा है? तो देखो वर्ग में समझ लो, वर्ग क्या होता है, वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर होती है जिसके कोण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो वर्ग होता है। आयत देखो, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर रहती है, लेकिन इसके जो कोण है विकर्ण बराबर रहते हैं लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, मतलब इसका मान 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, तो वर्ग में होता है। समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर कैसी भी हो सकती हैं, कैसी भी, तो इसमें 90 डिग्री का कोई मतलब ऐसी स्थिति नहीं होती है कि 90 डिग्री का ही रहे, ठीक है, सिर्फ वर्ग एक ऐसी समचतुर्भुज, एक मिनट दो सोचने दो, वर्ग अगर वर्ग हो ऐसा तो वर्ग में 90 डिग्री होता है, हो सकता है और होते ही है। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसमें सारी भुजाएं बराबर हो, तो अगर सारी भुजाएं बराबर ऐसे तो इसमें भी 90 डिग्री होता है। देखो जो वर्ग रहता है ना, ए भी अपना समचतुर्भुज का एक रूप है, हाँ इसमें कंफ्यूजन हो रहा, रुको देखो जो वर्ग होता है वो अपना समचतुर्भुज का ही एक रूप है, क्योंकि समचतुर्भुज का मतलब क्या है, जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो, और वर्ग क्या रहता है, वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग हो या समचतुर्भुज हो इसमें दोनों अपने ऑप्शन सही हो सकते हैं, अगर वहां पे इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आए तो वो अपना सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों कोई भी लगा देना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें दोनों ऑप्शन सही है। यदि एन भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक है, तो एन भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से, तो मान लो कोई बहुभुज है, बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सम बहुभुज, पहले बहुभुज ही समझ लो क्या, कोई भी ऐसी कोई घिरी हुई आकृति जो बहुत सारी भुजाओं से बनी हो, जैसे एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे, या फिर सात एक दो तीन चार पाँच छः सात ऐसे कुछ भी, फुटबॉल जैसी आकृति, तीन, ये तीन का त्रिभुज हो गया, चार का चतुर्भुज हो गया, पाँच का पंचभुज हो गया, ऐसे होती ना, तो बहुभुज मतलब बहुत सारी भुजाएं, एक होता है सम बहुभुज जो हमारे एग्जामिनेशन में आता है, ये आता है सम बहुभुज, जिसमें सारी भुजाएं बराबर बराबर मानी जाती हैं कि सारी भुजाओं की माप हमेशा और हमेशा बराबर होगी, ठीक है, तो वही है एन भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए, मतलब जैसे मान लो पंचभुज त्रिभुज है तो इसमें विकर्ण कितने निकलेंगे, एक भी नहीं, क्योंकि अरे भैया एक शीर्ष है, एक शीर्ष से दोनों शीर्षों के बिंदु पर कोई लाइन खींची नहीं जा सकती है, क्योंकि वो तो आकृति है। चतुर्भुज है, इसमें अगर कोई पूछे विकर्ण, तो देखो एक विकर्ण और दो विकर्ण, तो चतुर्भुज के केस में कितने आ गए, दो विकर्ण। ऐसी पंचभुज क्या अगर कीजिए, तो ये था पंचभुज, तो एक विकर्ण, दो विकर्ण, तीन विकर्ण, चार विकर्ण और एक पांच विकर्ण, तो पंचभुज में कितने हो गए, पांच विकर्ण। ऐसे ही इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, क्वेश्चन कहाँ है, माउस की तो आज बैंड बज गई, क्यों काम नहीं करते, एक मिनट, तो अरे यार काम क्यों नहीं कर रहा है,
देखो तो क्या था, कोई भी एन भुजा वाले किसी एक शीर्ष से, मतलब एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो एक विकर्ण खींचा जा सकता है। अगर एक विकर्ण की बात करो तो ये तो दूसरा शीर्ष हो गया ना, तो ये हो गया एक। अब मान लो अगर पंचभुज की बात कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा ये एक, तो यहाँ से कितने खींचे जा सकते हैं, दो। यहाँ पे एक था, यहाँ पे दो हुए, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा अगर चार एन माइनस थ्री, सीधा सीधा डी, मतलब एक जनरलाइज कर लिया अपन लोगों ने, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा एन माइनस टी, एन माइनस थ्री, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे पाँच था तो पाँच में से तीन गए तो दो, यहाँ पे पाँच चार थे तो चार में से तीन गए तो एक, मतलब जनरलाइज फॉर्मूला बना लिया, तो एन बाई थ्री, एन माइनस थ्री अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं हमेशा, हमने बताया था समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा एक त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, तो देखो घटती रहती हैं नहीं, बढ़ती रहती नहीं, बराबर रहती हैं, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ग के चारों अंतःकोणों के योग। तो देखो जब कभी भी वर्ग हो या कोई भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं से घिरी हुई, तो इनके अगर कोणों की बात करें ये चारों, तो ये होता है अपना हमेशा हमेशा 360 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रट लो। अगर एक त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज का होता है 180 डिग्री, ठीक है। आगे चलो, एक समांतर चतुर्भुज की कितनी सममिति रेखा है, तो समांतर चतुर्भुज समझ लो, समांतर चतुर्भुज होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, समांतर मतलब कभी भी ना मिले, यानी कि इनके बीच की दूरी हमेशा और हमेशा बराबर रहे। तो देखो ऐसे को कुछ बन जाएगा ऐसे, ठीक है, तो ये कभी नहीं मिलेंगी। तो कितनी सममिति रेखा है, कितनी सममिति रेखा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सममिति रेखा। देखो एक तो ये हो गई, एक जैसी चल रही, और एक हो गई ये वाली, दोनों, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि दो, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो आए हुए हैं आपके पेपर में। यदि एक समबाहुभुज की भुजाओं एन, तो इसकी सममिति रेखाओं की संख्या क्या होगी, वही जो अभी बताया था। तो समबाहुभुज की भुजाएं अगर एन है, अगर भुजाएं एन है, तो अगर भुजाएं एन है तो इसकी सममिति रेखाओं की संख्या याद कर लो, सीधा सीधा वही होती है जो इसकी भुजाएं होती हैं, यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वृत्त के दो बिंदुओं पर परिच्छेद करने वाली सरल रेखा को क्या कहा जाता है, किसी व्रत की, ठीक है, कोई एक व्रत है, कोई एक व्रत है को दो बिंदुओं पर परिच्छेद करने वाली एक सरल रेखा, अगर मान लो इसको कोई एक लाइन क्रॉस कर दे, ठीक है, तो इस रेखा को क्या कहा जाता है, तो इस रेखा को कहा जाता है जीवा, जीवा, ठीक है। और अगर आप समझ लो व्रत का थोड़ा बहुत देख लो, व्रत के यहाँ पे केंद्र होगा, ठीक है, ये होती है जीवा, और जो सबसे बड़ी जीवा है वो व्रत की कहाँ से होकर जाएगी, वो अपनी व्रत की केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है। तो इस जो सबसे बड़ी जीवा है, एक क्या है, ये अपनी है सबसे बड़ी जीवा, और इसी जीवा को कहते हैं क्या, व्यास वृत्त का, ठीक है, यानी कि डायामीटर। और बात करते हैं अगर ये तो हो गई जीवा, स्पर्श रेखा की, तो स्पर्श रेखा का मतलब होता है जो वृत्त को, जो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ टच करते जाए, सिर्फ और सिर्फ टच करते जाए, ये होती है क्या, अपनी स्पर्श रेखा, सॉरी स्पर्श रेखा, ठीक है, ये हो गई स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा और अगर केंद्र को मिला दो तो ये जो कोण बनता है ये हमेशा समकोण बनता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। चलो तो क्या पढ़ा था, किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर परिच्छेद करने वाली सरल रेखा को क्या कहा जाता है, इसको जीवा कहा जाता है। आगे चलते हैं, त्रिभुज की माध्यिका एक दूसरे को किस अनुपात में बांटती है, तो माध्यिका क्या होती है समझ लो, कोई एक मान लो त्रिभुज है, तो त्रिभुज के कोण को जो काटे,
मतलब दो भागों में बांट दे, तो ये हो गई इसकी मातृका। अब ए मातृका है तो ए आ गया इसका मातृका का केंद्र बिंदु, तो यही पूछ रहा है कि ऊपर वाली भुजा और नीचे वाली भुजा इसका रेशियो कितना होता है। तो ये रेशियो होता है हमारा 2:1, यानी कि 2 और 1 के अनुपात में किसी भी रेखा को काटती है मातृका को, ठीक है। तो मातृका एक दूसरे को किस अनुपात में काटती है, 2:1 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, त्रिभुज की मातृका का काटन बिंदु होता है, तो त्रिभुज का मातृका का काटन बिंदु समझ लो क्या होता है, वही जो हमने बताया था ऐसे कोई त्रिभुज, तो मातृका जहां पे काटती है वही जो मातृका का केंद्र होता है इसको बोलते हैं अंतःकेंद्र। क्या बोलते हैं? अंतःकेंद्र। अगर आप इससे एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो एक सर्कल इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया मातृका का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक कोण का मान इसके संपूर्ण कोण के मान से दोगुना है, इस कोण का माप क्या होगी। देखो, संपूर्ण कोण के मान से एक कोण का मान इसके संपूरक कोण, तो देखो संपूरक कोण कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो एक कोण का मान इसके संपूरक कोण से, तो संपूरक कोण दूसरा कितना हो जाएगा 180 माइनस x, दूसरा कोण, ठीक है। मान से दोगुना है, ये दोगुना है, बस सीधा सीधा रख दो, ये x इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 180, तो x का मान कितना आ गया 3×6 = 60, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या कह रहा है वो, अरे सीधा है ना, अगर एक x होता तो दूसरा होता y, और x y कितना होता है 180 डिग्री, लेकिन वो कह रहा है कि अगर एक कोण x है तो दूसरा उसके संपूरक मान से दोगुना है, तो दूसरा कितना हो गया, हमने मान लिया इसे y को क्या लिख सकते हो 180 माइनस x, तो बस ये तो किया, यहाँ पर 2x मान लिया, यहाँ पर 180 माइनस x, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जो समझ में आया प्लीज कमेंट बॉक्स में बताया कि भैया ये समझ में नहीं आया, फिर से बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों काम नहीं कर रहा, कुछ तो लोचा है जो काम नहीं कर रहा। यदि OA और OB विपरीत किरण है तथा एक किरण OC इनसे OA कोण बनाती है। देखो OA और AB मान लो कोई एक ऐसी लाइन है, ठीक है, जहां पे A बिंदु मान लिया O, सॉरी A मान लिया O, तो A हो गई इस तरफ की किरण है, तो ये हो गया A, ये हो गई OB, ठीक है। एक किरण OC, एक है किरण कोई OC जो इससे कोई कोण बनाती है, एक कोण मतलब थीटा बना दिया, और यदि एक कोण 75 है, अरे यार एक कोण 75 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 180 माइनस 75, कुछ तो है नहीं, तो कितना हो जाएगा 105, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बस क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करो होता जाएगा, ठीक है। यदि एक कोण के, बहुत दिक्कत हो रही है आज, समझ नहीं आ रहा क्यों काम नहीं कर रहा। यदि एक कोण के कोटि पूरक का 7 गुना कोण के संपूरक के 3×10 का है तो कोण की माप बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना है। एक कोण के कोटि पूरक का, कोटि पूरक क्या होता है जब 90 डिग्री है, तो एक हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा 90 माइनस x। कोटि पूरक कोण के सात क्या है का 7 गुना कोण, इसका 7 गुना कोण के संपूरक, तो इसका संपूरक कितना हो जाएगा 180 माइनस 7x के 3 गुने से। अरे ये तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, 90 माइनस x, ठीक है। रुको रुको, इस कोण को पढ़ पढ़ के करेंगे, क्या है, यदि एक कोण के कोटि पूरक का 7 गुना, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, कोण के संपूरक के 3×10 का, हाँ अब सही हो जाएगा। यदि कोण का कोटि पूरक, तो एक हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा 90 माइनस x, ठीक है, कोटि पूरक का 7 गुना, तो किसी का भी मान लो, चाहे इसका चाहे इसका, तो एक हो जाएगा x, तो दूसरा 7 गुना यानी कि 7x, कोण के कोटि पूरक का 7 गुना, नहीं नहीं 7×90 माइनस x करेंगे, क्योंकि ये तो कोण ही, कोण का संपूरक 90 माइनस x, तो इसका 7 गुना 90 माइनस x,
कोण के, कोण ये वाला है कि संपूरक, तो दूसरा इसका संपूरक कितना हो जाएगा, 180 माइनस x, संपूरक के 3 गुने, तो इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 180 माइनस x, सिर्फ 10 कम है, तो इससे 10 कम है, यानी कि इसमें से अगर इसे घटा होगी तो कितना आ जाएगा, इसमें से इसे घटा होगी तो आ जाएगा 10। चलो चेक करते हैं, तो 180 + 54 -3x -9 × 27 +7x = 10। बस इसको सॉल्व करना था, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मतलब लैंग्वेज वगैरह तो देख लेना, नोट करना, फिर करना, देख रहा है हमारा भी ऑप्शन सही, आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 540 में से 270 घटेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 + 4 = 140 170 +4x = 10, इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 + -, अच्छा उल्टा कर दिया मैं लग रहा, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, माइनस में सॉरी सॉरी, इसको कर लेना आप लोग सॉल्व, अगर नहीं होता है तो हम बता देंगे या फिर हम ही बता दें, हम बता दे रहे हैं, यदि कोण का कोटिपूरक 90 - x, कोण के संपूरक, संपूरक हो जाएगा 180 - x, इसका 7 गुना, इसका 3 गुना, फिर 10 कम है, 10 कम है, इसे प्लस हो जाएगा, यानी कि इतने मैं अगर प्लस कर दूंगी, हाँ 7 90 - x + 10 = 180 - x × 3, इसको सॉल्व करना है, 27 - 7x + 10 = 54 - 3x, इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 4x = AI, इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 280 - 540, कुछ प्लस माइनस कर लो, चाहो ना सर नहीं रख क्या, पूरा कोटि पूरा, ठीक है, क्वेश्चन शायद गलत दिया हो, समझ नहीं आ रहा, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो अभी, काय को टाइम जाएगा अपना, ठीक है, इसको बाद में करते हैं। अगला देखो, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते, यदि हम बहुत बार आए हुआ क्वेश्चन है, इसको तो रट लेना, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया हो तीन कोण, अगर तीन कोण दिए रहेंगे, एक कोण दिया रहेगा इस पे बनेगा, दूसरा कौन, तीसरा, तो ये बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं साहब, ठीक है, तीन कोण पे बना सकते हो, लेकिन त्रिभुज की लाइन की तुम आप दी नहीं गई, तो इस वाला केस हो सकता है, तीन भुजा, केवल तीन भुजा दी हो तो भुजाओं की माप दी गई होगी, तो एक भुजा बनाएंगे फिर दूसरी भुजा का माप भर के एक चाप लगाएंगे तो ऐसे कट जाएगा, और तीसरी अपने आप आ जाएगी, ठीक है, दूसरे का चाप लगाएंगे और तीसरे का चाप लगाएंगे, तो ये तो बन सकती है, ये वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता, दो कोण और एक भुजा, तो एक भुजा दियो और इस पे एक कोण, इस पे बनाओगे और एक कोण इस पे बनाओगे तो भी बन सकती है, तो इससे भी बन सकती है, तो ये हट गया, दो भुजा और उनके मध्य कोण, हाँ ये तो यही वाला हो गया, दो भुजा, एक भुजा है यहाँ और इसका एक कोण और एक भुजा है यहाँ, इससे भी नहीं बन सकता है, अच्छा दो भुजाओं की माप तो ये दी होगी, इतना ये दी होगी, एक कोण बनाएगा वो बन जाएगा, तो इससे भी बन जाएगा, सिर्फ पहला एक ऐसा ऑप्शन है जिससे नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें तीनों कोण दिए हैं लेकिन किसी भी भुजा की माप का जिक्र नहीं है कि भुजा कितने सेंटीमीटर की हो या कितने मीटर की हो,
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। बस दो क्वेश्चन और करवा रहे, फिर एक क्लास पहले माउस सही कर रहे, काम क्यों नहीं कर रहे। संकलन चित्र में रेखा पी ए क्यू वृत्त के केंद्र तथा, ठीक है, कोई एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है, उसको सॉल्व करना है। ये कोई चित्र है, इसमें कुछ निकालना है, क्या निकालना है देखो, देखते हैं। माउस तो हल्दी का ये है, इसमें क्या निकालना है, सी ए क्यू दिया है 70, ठीक है भैया, चलो देखते हैं कैसे क्या दिया है। ऐसा चित्र दिया हुआ है, इसको कर लो छोटा, ठीक है, अब करेंगे इसको। हाँ ए है, तो इसमें कुछ निकालना है, देखो निकालते हैं क्या, कैसे निकालते हैं। सी ए क्यू, सी ए क्यू, ए पूरा कितना दिया है 70, निकाल गया है ए बी सी। देखो कभी भी ऐसा कोई चक्रीय चतुर्भुज दिया हो तो ए वाला जो कोण है ए बराबर होता है इस वाले कोण के, हमेशा और हमेशा, ठीक है। तो ये वाला कोण कितना दिया है 70, प्रमेय होती है, हम बाद में सिखा देंगे आपको। और चक्रीय चतुर्भुज कभी भी, मतलब किसी सर्कल के अंदर जो चतुर्भुज बनता है इसी को बोलते हैं क्या, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। तो इसके आमने सामने के कोणों का योग होता है कितना, 180 डिग्री। बस ये 70 दिया तो दूसरा कितना हो जाएगा 110, और यही पूछा था ए बी सी, मतलब ए वाला कोण, तो ये कितना हो जाएगा 110। सिर्फ प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन है, पहले ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 110। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बहुभुज के अंतकोणों का योग इतने है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से तीन अपने क्वेश्चन निकल के आते हैं बहुभुज के, और बहुभुज के सीधे सीधे फॉर्मूला होते हैं। जैसे बहुभुज के बाह कोण का मान ये हमेशा होता है 360 डिग्री बटे एन, ठीक है, पहला पद। दूसरा होता है आंतरिक कोण का मान, आंतरिक कोण का मान, तो ये होता है हमारा 2n-4, 2n-4 इंटू 90, जैसे 3 × 6 = 180, और 2n-4, हाँ यही रहेगा, ठीक है, अंतकोणों का योग का मान। और क्या बहुभुज की संख्या, संख्या होती है बहुभुज की संख्याओं का रहता है, ये तो हमें दो पता है, 2n-4 अंतकोण का मान इतना है, अंतकोणों का योग, हाँ इतना ही दिया है, बस इसी फॉर्मूले में रख दो। जब इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2160 बराबर 2n-4, यानी तो निकालना है नंबर, इंटू 90, 9 से भाग कर दो, तो 9 × 9 = 18, और 9 × 9 = 36, 24, 4 इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, 2n = 28, तो n = 14 हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यही है ना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ फॉर्मूले जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, उनको आप बना नहीं सकते हो। कोई पैरेलल लाइन दी है, क्या दिया है यार, थोड़ा एक आखिरी क्वेश्चन है। चित्र में पैरेलल है ए बी और सी डी, ठीक है, बाई और एक्स का मान निकालना है। तो देखो अच्छे से देखना, ए एक्स है तो ए वाला भी एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये बाई है तो ये वाला भी बाई हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये ऊपर वाला कभी भी अगर पैरेलल लाइन हो और कोई एक रेखा काटे तो रेखा के एक तरफ के कोण हमेशा और हमेशा बराबर होते हैं, और इसका शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होता है, तो ये सारे बराबर होते हैं, यानी कि अगर 1, 2, 3, 4 तो ये सब बराबर होंगे, 1 = 2 = 3 = 4, ठीक है। तो देखो
इसमें 110 है, तो इसमें ई कितना आ जाएगा, ई भी आ जाएगा अपना कितना 110, ठीक है, 110 हो गया, ए 120 हो गया, ए एक्स है, एफ कितना आ जाएगा, एफ भी हो जाएगा अपना एक्स एक्स बराबर, और जो जी है एक रेखा है तो ये हो जाएगा अगर 110 ऊपर वाला, तो एक लाइन पे कोई भी दो अगर काटे तो इसका मान भी होता है कितना इन दोनों का 180, इन दोनों का जोड़, तो अगर एक आ गया 110 तो दूसरा कितना आ जाएगा 70, ठीक है, और 70 ये आ गया अंदर का, इस चारों जोड़ दो तो कोई भी त्रिभुज में चतुर्भुज में अंदर टोटल चारों कितने होते हैं 180 डिग्री के, बस लगा दो फॉर्मूला, तो एक हो गया 120, एक हो गया 110, एक हो गया 70, चौथा निकालना है तो 360 में से घटा देंगे, 180 नहीं 360 घटा देना, तो 8, 9, 10 की जीरो हाथ लगाइए 300, तो चौथा कौन सा एक्स, एफ की वैल्यू क्या आ गई 60, बस एक्स की वैल्यू है 70, एक्स की वैल्यू आ गई 60 और वाई की वैल्यू आ गई 70, निकालना क्या था देख लो, वाई माइनस एक्स निकालना है तो 70 में से 60 जाएंगे कितना आ जाएगा 10, देख लो कौन सा है ऑप्शन नंबर बी 10, ठीक है अपना राइट आंसर। तो ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद में थोड़ा वो माउथ से कट कर रहा है इसलिए, वरना हम और भी क्वेश्चन करवा देते, तो आपका कुछ ये ज्योमेट्री का पार्ट था, आशा करते हैं कुछ चीज़ें नहीं मिली होंगी जो आपको पता भी नहीं होंगी शायद, और अगर पता हो तो अच्छी बात है, तो इनकी प्रैक्टिस करते रहिए पढ़ते रहिए, और कुछ चीज़ें हैं जो याद ही करनी पड़ेंगी जैसे फॉर्मूला वगैरह कॉन्सेप्ट, तो उन्हें पढ़ते रहिए, मुस्कराते रहिए, दोस्तों को बताते रहिए, ओके टेक केयर, बाय बाय।